दोस्तों आज हम सीखेंगे जो ग्लेज के एग्जाम चल रहे, जो कि आपका टेस्ट एग्जाम चल रहे, जितनी भी ग्लेज की जो लाइफ चेंजिंग क्लासे हो रही है उनकी हमेशा एक एक दिन की क्लास लग रही है। तो साथ ही साथ आप लोग उस क्लास का जो एग्जाम है, जो टेस्ट है, वो किस प्रकार देंगे और कैसे देंगे वो आपको इसी वीडियो में पूरा सिखाऊंगा। और साथ ही साथ आपको सीखना है कि आप जो टेस्ट दे रहे हैं वो किस प्रकार देंगे और कैसे देंगे। तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखना, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी कि आपको एग्जाम कैसे देना है और किस प्रकार देना। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपके पास ग्लेज का जो आईडी है और पासवर्ड होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपको क्लासे भी अटेंड करना बहुत जरूरी, तब जाके उसका टेस्ट दे पाएंगे और अच्छे क्रमांक ले आएंगे। लेकिन दोस्तों आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको फायदा क्या है? फायदा यहाँ पर यह है कि आपको जो सीक्रेट समझ में आने वाला उसके ऊपर एक एक पॉइंट कहीं ना कहीं, मानो किसी में 50 प्रश्न है, किसी में 30 प्रश्न है, किसी में 45 है, उनमें से एक भी आपको दिमाग में बैठ जाता है तो आपकी जो लाइफ चेंज हो सकती है। साथ ही साथ आपका जो उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि जितनी भी क्लास का आप टेस्ट दोगे उसी का आपके पास सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन डिजिटल सर्टिफिकेट, जो कि आपकी आईडी पर ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो आप लोग वो डाउनलोड करके भी प्रिंट निकलवा सकते हो। साथ ही साथ आपको हमेशा साथ ही साथ जितनी भी क्लास हैं उनको भी अटेंड करना, साथ ही साथ आपको जितनी भी क्लास का उसका एग्जाम देते रहना है, जिससे आपको भी फायदा और आपको समझ में भी आएगा कि आखिर हम इस क्लास को अटेंड क्यों कर रहे हैं। तो चलते हैं, समझ लेते हैं कि इस क्लास का जो उसका एग्जाम कैसे दे। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में। जैसे आप क्रोम में जाओगे तो सबसे पहले ऊपर लिखना आपको लॉगिन पेज, यानी कि लॉगिन ग्लेज लिखते ही आप लॉगिन ग्लेज लिखने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको जाना यहाँ पर लॉगिन पेज पे। जैसे ही आप लॉगिन पेज पे जाओगे तो आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा ऑनलाइन एग्जाम, आपको वहाँ पर आईडी पासवर्ड नहीं देना, आपको केवल और केवल हम सीखने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम कैसे दे। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते आपके सामने सबसे पहला पेज आ जाएगा लॉगिन करने के लिए आईआर गेटवे वाला आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करें, जिसमें ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम, जिसमें ट्रेनिंग है, टॉपिक है जो कि तीसरे दिन का, और आईडी नंबर है आपका जो आपके पास है, और पासवर्ड आपको डालकर यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो जॉन है वो आ जाएगा, आपका रैंक है वो भी आ जाएगा, और आपका नाम और आईडी दोनों आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैं आईडी किसी को न बताता हूँ न किसी को दिखाता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है लैंग्वेज, यहाँ से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो आपको हिंदी पर करना है। अगर इंग्लिश आती हो तो इंग्लिश पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इंग्लिश में आपको परफेक्ट आती हो, अगर हिंदी आती हो तो हिंदी पे क्लिक। जैसे ही हिंदी पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट एग्जाम। स्टार्ट एग्जाम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो ऊपर टोटल टाइम है वो भी लिखा हुआ आ रहा है, और आपका आईडी और आपका नाम दोनों लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर इसमें टोटल क्वेश्चन है वो 49, यानी कि 49 क्वेश्चन है। आपको ये तीसरा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का तीसरे दिन का ये अटेम्प्ट है, जो कि आपको अगर एग्जाम, जैसे आप उसका एग्जाम देते हैं, जैसे कि जब कुछ टूटता है तो क्या लाभ होता है, तो दोस्तों आपको पता है कि टूटने पर क्या होता है, नई चीज़ का निर्माण होता है। तो जैसे आप एग्जाम दोगे तो आपको उसके ऊपर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन है उसको सबको नेक्स्ट करते रहना, नेक्स्ट करते रहना है। उसके बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। क्या? फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। जैसे कि मैं आपको पूरी के पूरे जो एग्जाम देने के बाद पूरा दिखा देता हूँ स्पीड में। जैसे आपके 49 जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है फाइनल सबमिट पे। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जितना भी क्वेश्चन आंसर सही हुए उसका डिटेल आ जाएगा, जिसमें कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर एग्जिट। अगर दोस्तों ये एग्जाम देना की प्रक्रिया आपको अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो लाइक शेयर के साथ साथ सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी जानकारी का पता चले कि एग्जाम किस प्रकार दें और कैसे दें, जिससे वो भी एग्जाम दें और वो भी अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करें। जय हिंद, गो गैल।